थोड़ा इधर देखो। अरे यहाँ पे है क्या? ये देखो, तुम एक सोते हुए इंसान के साथ इतनी गंदी हरकत करोगी, ये क्या है? क्या क्या बोल रही हो? ये सब हमने नहीं किया है। तो ये तुम्हारी नई चाल है ना, वचन पूरा होने से पहले किशन को जीतने का? अग्नि, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर हम दोनों के बीच में ये प्यार कैसा? एक छोटी सी चिंगारी जो मैंने लगाई और तुम्हारा लव जलकर खाक हो गया। मदद करने के लिए शुक्रिया। ये आप, आई लव यू किशन। सीडी रखने स्टोर रूम जा रहा हूँ। आप नहीं जा सकते, मुझे सीडी को अंदर रखने जाना है, प्लीज बहुत सारे काम करने हैं। रागिनी भाभी, आप जिंदा हैं? मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी गलती से सुधारने की कोशिश कर रही हो। बस एक चीज चाहता हूँ मैं तुमसे। क्या? मुझसे शादी करोगी? देख रही हो ये सब? ये सारी तैयारियां साक्षी ने की थी, वो किशन को प्रपोज करने वाली थी। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना, है ना? प्यार करती हूँ किशन से? साक्षी, तुम मान की नहीं? हाँ, करते हम किशन से प्यार। तो आज मैं आप लोगों को किशन की लव स्टोरी के बारे में कुछ बताऊंगा जिसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स है। समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। क्या हुआ? क्या एक तो इतना अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। हाँ तो ये प्रॉब्लम है, ट्रिपर नीचे गिर गया। लेट्स स्विच इट ऑन। किशन, किशन उठो ना, आंखें खोलो। सच सच बताना साक्षी, किशन से प्यार करती हो ना? कहा ना नहीं, नहीं करती। अब बता। दूल्हा दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। अग्नि कमरे में नहीं है, हम चेक करके आते हैं। हमने शादी कर ली है। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती? किससे करती हो प्यार? समीर से? हाँ, समीर से। अब तू इसी बात को सच मान के सांस लेने की कोशिश कर कि अग्नि तेरा अतीत था, अब मैं हूं। एंड आई एम वार्निंग यू, मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश मत करना। तुम चलो ना। किशन, स्टॉप इट। आई एम वार्निंग यू अगेन, शी इज माय वाइफ, और मेरी वाइफ के साथ कोई बदतमीजी करेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डोंट यू डेयर टच हर। किसी का भी हक नहीं कि वो तुम्हें इंसल्ट करे, स्पेशली वो किशन। उसे तुम्हें तुम्हारे आसपास बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। तुमने एक बार भी किशन के बारे में नहीं सोचा? पहले हमने उनका दिल दुखाया और अब तुमने उनका दिल तोड़ दिया। कितने घाव लगे हैं हमारे किशन को। जो घाव शरीर पे लगे वो तो ठीक हो जाएंगे, जो घाव उसके मन पे लगे हैं वो कैसे ठीक होंगे? बस एक बार मुझे बता दो ना, उसने क्यों किया पैसे? ओ मेरी बीवी, सुहागरात की रात ऐसी आवाजें निकालोगी ना तो बाहरों लोग गलत लगेगा। वैसे गलत मतलब में सही मतलब निकलेगा। तुम दोनों की सुहागरात है ना, आज अभी इसी वक्त। तो यहाँ वहाँ अकेले क्यों घूम रही हो? मेरे लिए आई थी ना। बहुत प्यार दिया है तुमने हमें, लेकिन ये प्यार एक तरफा था। याद करो तुम जितने भी हमारे लाइफ में इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स आए थे, वो सब तुम्हारी वजह से आए थे, क्योंकि वो तुम लाए थे। और तुम्हारा हमारे लिए प्यार देख के हमें ऐसे लगा कि तुम ही हमारे लिए बने हो, सिर्फ तुम ही। लेकिन वो गलत था, हमें तुमसे कभी प्यार था ही नहीं, कभी नहीं था। हमारा बस एक लगाव था तुम्हारे लिए, सिर्फ लगाव। और ये बात हम कभी भी समझ नहीं पाते अगर समीर हमारी जिंदगी में नहीं आया होता तो।
प्यार का एहसास हमें हमें समीर ने कराया है और हम अपनी सारी जिंदगी सिर्फ सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए बर्बाद नहीं कर सकते थे। सुबह सीम्स प्रीटी गुड फॉर मी। हाय, गुड मॉर्निंग। होप आप सबकी मॉर्निंग भी काफी ठीक ठाक चल रही होगी। आप वहां बैठिए, हम नाश्ता लगा देते हैं आपके लिए। क्यों बीवी, आज आज हम इन लोगों के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। नहीं मानता हूं कि मेरा इनके साथ वैसा रिश्ता नहीं है, बट तुम्हें तो इस घर की बेटी मानते हैं ये लोग। इतना तो कर ही सकता हूं। आओ, कम ऑन, बैठो। कंफर्टेबल? Pity you guys, यार। ये लो। बीवी, come on, come on, come on। किशन को आपने मारने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि मुझे और ऋत्विक को इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए। खुशी के लिए पैसे नहीं रिश्तों की जरूरत होती है, जो आपने आपने मुझसे छीन लिए। तुम्हें क्या लगा था हमें पता नहीं है कि अब तुम समीर के लिए क्या फील करने लग गई हो? जैसे तुम्हें पता चल गया था कि हम किशन से कितना प्यार करते हैं, वैसे ही तुम्हारी और समीर की नोकझोंक में हमने तुम दोनों का प्यार देख लिया। बैंड तो बजेगी उस नागिन की, और उस नागिन की बैंड बजाएंगे मेरे गुरु, मेरे उस्ताद बाबा नागधरे। एक ही उपाय है, उस नागिन से 1-to-1 बात करो। लेकिन 1-to-1 बात करेगा कौन? ये करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही अद्भुत विद्या है सांपों से बात करने की। आई लाइक इट। ये तो बहुत ज्यादा भारी है। भारी रहता है ना आपकी मदद करने के लिए। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अपनी शर्ट उतारो। अरे ऐसे आग थोड़ी बुझेगी। अगर मुकेम्बो अंकल को पता चल गया कि मापू है तो पता नहीं कहाँ करेंगे। अतीत से लौटे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष तथा बहन होलिका वृंदावन पहुंच बनाते हैं विध्वंसक योजना। भक्त प्रहलाद की स्मृति में होली मनाते हैं ना लोग, इस बार की होली होलिका मनाएगी। अग्नि की होली, मृत्यु की होली। आरिगल, क्या बदतमीजी है? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने निर्णय कर लिया है तो किराट सेन की पुत्री पार्वती का विवाह उसी से होगा जो उस महामत्स्य को पकड़ेगा। किराट सेन जी, हम उस महामत्स्य को अवश्य पकड़ेंगे।
महामत्स पकड़ा गया। पुत्री, जो मछुआरा एक बार में महामत्स को पकड़ ले उससे योग्य वर तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। ठहरो मछुआरे, अब ये सुंदर स्त्री त्रिलोक विजेता वानासुर की धर्म पत्नी बनेगी। स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए इस असुर से। हम एक साधारण मछुआरे हैं और ये इतना भयानक असुर, हम इससे कैसे लड़ सकते हैं?